नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जय जवान जय किसान कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज कांग्रेस जनों ने आनंद भवन पहुंचकर शांतिपूर्ण मार्च लेकर निकले, परंतु प्रशासन और भारी पुलिस बल ने पदयात्रा को रोकने का प्रयास किया और जब कांग्रेस के लोग आगे बढ़ने लगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस जन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देना चाहते थे, जिसमें किसानों पर जबरन तीन काले कानून को वापस लेने की कांग्रेस जन मांग कर रहे थे, परंतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी ने कहा कि किसानों का आंदोलन देश के 130 करोड़ जनता का आंदोलन है, जो रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है। शहर अध्यक्ष नफीस अनवर ने कहा कि देश का अन्नदाता पिछले 100 दिनों से अधिक सड़कों पर बैठकर इस काले कानून को वापस लेने का केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार बात करने को तैयार नहीं है, जबकि अब तक इस आंदोलन में 250 से अधिक किसानों की जान चली गई है, जिससे ये लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाह हो चुकी है। गिरफ्तारी देने वालों में सर्वश्री अरुण तिवारी, नफीस अनवर, सुशील तिवारी, परवेज सिद्दीकी, राम छबीले मिश्र, डॉक्टर दिनेश सोनी, प्रदीप द्विवेदी, निशांत रस्तोगी, राजकुमार शुक्ल, प्रकाश चंद्र पांडे, पुनीत श्रीवास्तव, विवेक पांडे, त्रिपुरारी मिश्र, शशांक शर्मा, कामेश्वर सोनकर, इरशाद अल्लाह, अंजुमन नाज, शीतला प्रसाद पांडे, महेश त्रिपाठी, रिंकू तिवारी, मोहम्मद हसीन, इशरत चांद, नफीस कुरेशी, अतुल तिवारी आदि लोग शामिल थे।